राजनांदगांव के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने बस स्टैंड में स्थित बजरंग होटल में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा होटल जलकर खाक हो गया और आग पर काबू पाने के लिए दमकल को लगभग 4 घंटे से अधिक मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत यह रही कि होटल के अंदर रखे सिलेंडर को बाहर निकाल लिया गया था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। साथ ही पुराने बस स्टैंड होने के कारण आसपास बहुत सारी गाड़ी भी खड़ी थी। वहीं होटल के संचालक का कहना है कि अज्ञात कारण है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है इसका। अचानक 3:30-4 बजे खबर आई, हम दौड़ते भागते घर से आए, पूरा तुरंत 5 ब्रिगेड को फ़ोन किए, पार्षद हमारे गणेश भाई आ गए, सब उपस्थित होकर मोहल्ले वाले लोग पूरा सहयोग करे। नुकसान तो बहुत हुआ है, इसकी पूर्ति के लिए शासन से थोड़ा नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। सुबह 10 बजे दुकान बढ़ा के निकले, जब हम पूरा चेक करके जाते हैं, आज भी ऐसी नित्य की जो काम है, प्रक्रिया है जो चलते हुए, पूरा दुकान बढ़ा के 10 बजे करीब क्लोज करके पूरा बढ़ाते हुए हम लोग दुकान को पूरा चेक करके निकले। कारण क्या है, कुछ अज्ञात लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कैसे हो गया, क्या हो गया। इतनी पुरानी संस्था हमारी, बहुत नुकसान हुआ है हमारे को। 75 से 80 लाख के आसपास की क्षति हो गई है। पूरा नया सेटअप किए थे अभी हलूँ, पूरा नया रिनोवेशन करवाए थे, पूरा फर्नीचर से लेकर सब चीज़ नया लगवाए थे अभी। बजरंग होटल बहुत ही पुरानी होटल है मेरे जानकारी में। जब से मेरा 37 साल हुआ तब से मैं इस होटल में आ रहा हूँ, और मैं चाहूँगा प्रशासन से कि उसको संज्ञान में लेते हुए इसे मुआवजा दिया जाए, ताकि जो नुकसान भरपाई हुई है, क्षतिपूर्ति हुई है, आसपास के लोगों को रोजगार मिलता था वहाँ से, उन्हें भुगतान किया जाए और संज्ञान में लेते तीव्रता से कार्य किया जाए। टीसीपी 24 न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से विपुल कनेर की रिपोर्ट।